एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज सुबह वॉली वॉल्फ के एक और नए मजेदार एपिसोड में। लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा क्योंकि मैं एक डायनो को टेम करने के लिए गया था, बदले में अपने को तीन तीन डायनासोर मिले, वो भी काफी ज्यादा तगड़े वाले। तायला कोलियो का तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तायला कोलियो तो ऐसे समझ लो अपने को फ्री में मिल गया। अपन गए थे सेवर तूत को टेम करने के लिए, सेवर तूत को भी टेम कर लिया, तायला कोलियो को भी टेम कर लिया, साथ ही साथ ये भेड़िया मेरे को मारने के लिए आ रहा था, इसको भी पकड़ कर मैंने लेकर आ गया। और लास्ट एपिसोड में मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मेरे को नाम बताओ, ये सारों का नाम क्या रखा जाए। रैप्टर का तो हमने नाम रख दिया, ये फीमेल है इसीलिए इसका नाम शबनम रख देते, और जो अपना तायला कोलियो इसका नाम होगा शेर खान, क्योंकि ये बिल्कुल टाइगर जैसा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम शेर खान है। सेबर तूत का नाम किसी ने बताया था कि स्कार रखने के लिए, तो सेबर तूत का नाम स्कार पड़ चुका है, ठीक है। ये अपना स्कार, ये अपना शेर खान, ये अपनी शबनम, और डेयरवुल्फ का नाम किसी ने बताया था वुल्फी रखने के लिए, तो इसका भी नाम रख दिया भाई वुल्फी, सारे के सारे हो गए। सिर्फ पैरासोर का नाम नहीं रखा है, पैरासोर को रहने दो, ये अपने घास फूस कलेक्ट करने के काम में आएगा, जंग में तो इसको हम यूज करने वाले है नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले तायला कोलियो का सेडल बनाते हैं, उसके ऊपर बैठते, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस पोशन खिला के घर के आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा शांत करते, दूसरे डायनोस की ऐसी की तैसी करते, ताकि अपने तायला कोलियो की अच्छी खासी लेवल बढ़ जाए। अभी इसकी लेवल अगर बात करें तो सिर्फ 44 लेवल का है। अभी हमारे पास में सबसे बड़ा लेवल का अगर डायनासोर की बात करें तो वो ये अपनी शबना में अपना ये रैप्टर, इसकी लेवल 74 है, बट मैं धीरे धीरे करके ना अपने तायला कोलियो को भी अपने शेर खान को लेवल 100 के आसपास में लेके आ जाऊंगा, ताकि हम कम से कम इस कॉस्ट अर्थ की दुनिया में सर्वाइव कर सके। बट एक सेकंड, क्या तुमने लाइक का बटन दबाया? नहीं दबाया तो भाई अब भी दबा दो, फटाफट से 5000 लाइक कर दो इस एपिसोड पर, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया और ऐसे ही तहलका एपिसोड्स लेकर आता हूँ और आता रहूंगा, बस तुम लाइक और सब्सक्राइब दबाते रहना, ठीक है। चलो हो गया अपना लेवल अप खड़े खड़े। भाई मेरे पास तो फूड की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, मैं काम करता हूँ, अब की बार क्या बढ़ा जाए, फूड बढ़ा लूँ या फिर हेल्थ और स्टेमिना, सारी चीज़ें बढ़िया है। एक काम कर दो भाई, मैं अपना ना मीली डैमेज बढ़ा देता हूँ, अपने मारने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हम आ चुके हैं लेवल कितने पर आ गए, लेवल 51 पर आ चुके हैं, वेरी नाइस। अब अपने को एम्प्टी क्रायोपॉड भी अनलॉक हो चुका है, जिसके अंदर हम डायनोस को कैरी कर सकते हैं। बाकी है पैरासोर प्लेटफॉर्म सैडल, ये अभी थोड़े से हाई लेवल के डायनासोर है, वहाँ तक अपने को नहीं जाना। मेरे पास में खाना होना चाहिए ना, एक काम करता हूँ रुक जाओ, मैं नार्को बेरीज खाता हूँ। भाई मेरे पास खाना पानी दोनों चीज़ों की बड़ी कमी हो रही है, कच्चा वाला मीट तो मैं खाने से रहा। एक काम करते हैं, अपने पास में मैंने वो नहीं बनाया था क्या, अरे हाँ अपने पास में कैंप फायर ही नहीं है, रुक जाओ मेरे को पहले जाकर पानी पीकर आने दो, ताकि अच्छे खासे मतलब पानी का जो अपना लेवल है वो पूरा का पूरा 100 हो जाए। हो गया ना पानी का, खाने का भी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। जो मेरे पास में फालतू का माल है पूरा का पूरा मैं फेंक रहा हूँ यार, घर का काम रह जा रहा है, घर को अपने को क्ले का बनाना है और वो रह ही जा रहा है काम। पहले अपने को घर का काम ना फटाफट से वो करना पड़ेगा। मेरे पास में स्टोन है बहुत ज़्यादा, तो सारे के सारे स्टोन, ठीक है ये स्टोन रख दिया, और कुछ एक्स्ट्रा वेपन पड़े हुए हैं, स्टोन एरो तो मैं रहने दूंगा, बाकी ये जो एक्स है ये सारे के सारे ट्रांसफ़र हो गए। और क्या चीज़ है मेरे पास में, पेल्ट वगैरह है, ये तो एरोस को मैं नार्कोटिक के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, बाकी काइटिन चीटिंग ये सारा का सारा इधर नहीं आएगा, ये जाएगा पूरा रिसोर्सेस के अंदर। काइटिन तो मेरे पास में बहुत आ गया भाई, हाइट भी बहुत सारा, चीटिंग भी बहुत सारा, पेल्ट सब चीज़ मतलब अच्छी खासी आ गई है। बाकी स्पॉइल्ड मीट भी यहीं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी बाद में कभी लगेगा तो ले लेंगे। बाकी मेरे पास में 76 नार्कोटिक्स पड़े जो कि अच्छे खासे है। इसका मैं एक काम करता हूँ, नार्कोटिक को ना मैं इधर छोड़ दूँ, ऐसे ऑलरेडी बहुत सारा स्पॉइल्ड मीट है, इतना मीट मैं अपने पास में रहने दूंगा। बाकी यह नार्कोटिक डालकर, सॉरी नार्को बेरी डालकर ना नार्कोटिक बना लेते हैं, ये जितने ज़्यादा रहेंगे मेरे पास में उतना बेटर है। इन्वेंट्री के अंदर एक्स पिकैक्स क्रॉसबो स्पीयर बोला टॉर्च और एक टेंट, ठीक है ये हमारे ट्रैवलिंग के काम में आएगा। अब थोड़ा सा घर के बाहर आते और चेक करते कि अपने को तायला कोलियो के सैडल के लिए क्या लगेगा। अरे देख रहे हो भाई 51 लेवल पर बस हम पहुंचे और तायला कोलियो का सैडल अनलॉक हुआ है, इसके लिए 20 इंगट फाइबर और हाइड लगेगा, और ये बनेगा आई गेस स्मिथी पर ना। इधर इंगट तो 4 पड़ा है, हाइड पड़ा हुआ, इधर और बहुत सारा इंगट हो गया होगा ना, लो 33 इंगट हो गया। एक काम करो ये भी बंद, इसके अंदर है क्या 43 और हो गए, चलो ये भी बंद, खामखा घर के अंदर और गर्मी हो रही है, थोड़े से हाइट की कमी हो रही है। एक सेकंड देना, मेरे पास में बहुत सारा हाइट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 200 हाइट इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाद में भी मेरे को कोई भी चीज़ क्राफ्ट करने के लिए ना काम में आएगा। ये लो भाई तायला कोलियो का सैडल रेडी हो चुका है। कैक्टस खा ले बेटे, तू बहुत कर जा रहा है, कैक्टस खा ले, कैक्टस खा के तेरा खाना पानी का मीटर एकदम फुल कर ले, ठीक है।
इतना सफिशिएंट है, लेट्स गो। ग्रैपलिंग हुक है मेरे पास में, अगर मेरे को किसी भी पहाड़ पर चढ़ना पड़े हम चढ़ जाएंगे। अभी मेरे को बस कैसे भी करके भाई क्रिस्टल चाहिए ताकि मैं ऑसम स्पाई ग्लास बना सकूं। एक काम करता हूं, इसका मेली डैमेज बढ़ाते हैं पहले, हेल्थ वगैरह इसकी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से है। ताइला कोलियो विटाल, यार ये मेरे को पता ही नहीं था ये फीमेल है। ओ हो, एक जंप में अपन सीधा घर के ऊपर, ठीक है। अब मैं खिलाऊंगा इसको एक्सपीरियंस पोशन ताकि ये हो जाए बिल्कुल झिंगल आला, ठीक है। 500 सेकंड तक मैं अब किसकी भी बैंड बजाऊंगा, हम सिर्फ मल्टीप्लाई होने वाले। जो भी बच्चे हैं, जो भी दिखेगा मेरे को आसपास, सब पीटे जाएगा, कूटे जाएगा। ब्लीडिंग वाला डैमेज है मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? ओ कहाँ जा रहे हो? अरे मर जा भाई, कितना मजबूत है। चलो ठीक है कंगारू, तेरे को रहन दे रहा हूँ मैं, तेरे को माफ़ कर दिया क्योंकि तू मेरे बाद में काम में आएगा। वल्चर, ओ वल्चर, अरे वल्चर भाई हटो यहाँ से, तुम कब से अटैक करने लग गए? बाकी अब पंगा लूंगा मैं इससे, ये सार्को से तो नहीं ले रहा क्योंकि सार्को को मैं टेम करूंगा, तो अभी हम पंगा लेते हैं इस वाले से। इधर को आ बेटे, अरे आ इधर को आ, चल हट बाजू में, सरक बाजू में, दिमाग नहीं खराब करने का पैरसर। मैं इस साइड में ना फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ आज, अभी तक मैं इस साइड में गया नहीं हूँ। ऑलरेडी मेरे पास में मीट बहुत है ना, इसीलिए मैं वो नहीं कर रहा। कितना लेवल अप हुआ है भाई? 4 हो गया। एक काम करता हूँ, इसका स्टेमिना बढ़ा देता हूँ, एक हेल्थ बढ़ा देता हूँ भाई, 4000 हेल्थ कर देता हूँ, एक मूवमेंट स्पीड और एक मेली डैमेज, ठीक है। स्टेमिना भी ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया है। चलो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, पता चले आगे गीगा हमारा इंतज़ार कर रहा था, फिर तो बैंड ही बच गई भाई। भाग जाऊँगा मैं वहाँ से, चुपचाप से भाग जाएंगे, शक्तिमान बनने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यार इधर की नदी तो पूरी सूखी हो चुकी, सामने कौन है? टॉर्नी ड्रैगन्स है बहुत सारे, तो टॉर्नी ड्रैगन से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, है ना? टॉर्नी ड्रैगन से दूर ही रहो। ये टॉर्पर और पर दे देते, खामखा की दिक्कत होती है। अरे बेटा नज़दीक नहीं आना, नज़दीक नहीं आना। अबे तू आया क्या कर रहा है? अरे 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 भाई 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 भाई, हाँ इधर को इधर को इधर को इधर, चल हट भाई। मेरे को टॉर्पर दे दिया ये लोग ने, तो मैं यहाँ से अभी कल्टी ले रहा हूँ फिलहाल में। टेरर बर्ड, ओ टेरर बर्ड हटो हटो, चलो निकलो, हटो बेटे हटो, चलो हटो। थोड़ा सा अभी मैं लेवल अप कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। पानी में दिख गया मेरे को मगरमच्छ, ठीक है। तो एक 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 नहीं है बल्कि यहाँ पर दो दो तीन तीन मगरमच्छ है, उनसे तो दूर रहना भाई। हाँ देखो पानी के अंदर, ए मगरमच्छ के अलावा और कौन सी चीज़ घूम रही है ये बीच में? बिच्छू विच्छू तो नहीं है? ऑसम स्पाई ग्लास यार, होता ना अभी सब समझ में आ जाता। पता नहीं मेरे को बिच्छू लग रहा है भाई, बिच्छू लग रहा है वो। चलो ठीक है इस दिशा में और आगे बढ़ते हैं। ग्रैपलिंग हुक तो है, पहाड़ चढ़ने का टेंशन नहीं होगा। ओ एक सेकेंड, ये पर्पल वाले फ्लावर क्या काम में आएंगे मेरे? अच्छा हुआ मैंने सिकल लेकर आया था। एक काम करता हूँ, रुको सिकल निकालते, पर्पल वाले फ्लावर के अंदर अगर कुछ सिल्क मिला है और फाइबर मिला है। चलो ठीक है सिल्क मिल रहा है, जमा कर लो, ये बाद में मेरे काम में आएगा, अभी नहीं तो। लेट्स गो, ताला कोलियो कितने लेवल अप हुआ है? 2 हुआ है, तो एक काम कर 5000 तेरी हेल्थ कर ले और मेली डैमेज तेरा 2000 के करीब कर ले। आ जाओ आ जाओ, कौन है बेटे, कौन है यहाँ पर, कौन लेगा मुझसे पंगा? मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअल में दूर आ चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ अपने घर से, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना क्योंकि मेरे को रास्ते वास्तों का यहाँ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इसका नाम शायद से, मतलब यहाँ पर ना आरजे है नहीं इस मैप में, तो किसी ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि ये जो तितली टाइप उड़ रही है ना उसको टेम कर लो, उससे तुम उसके ऊपर बैठ कर ना यहाँ पर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि इस मैप में आरजे नहीं होते। चलो ठीक है आरजे नहीं तो कोई बात नहीं। अरे पानी मिल गया भाई, यहाँ पर पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, ये वेन है पानी की सफिशेंट। बाकी और क्या चल रहा है? मेरा खुद का लेवल अप हुआ है, तो मैं मेरा मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि मैं कम से कम दौड़ बढ़ सकूँ। पैरासेरेथेरिया में यहाँ पर, उनसे पंगा नहीं लेना। बाकी ड्रैगन की तो खुद ही वाट लग गई। ये अंकाइलो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होते भाई। हट हट, अरे हटो हटो, नहीं नहीं करो ना, नहीं करो ना, नहीं करो, क्यों क्यों दिक्कत दे रहे हो? खामखा की दिक्कत दे भी रहे हो, ले भी रहे हो। ये वाली जो तितली है, इसका जो नाम है मेरे को जहाँ तक, अरे हाँ यही तो है वो तितली,
यही तो है वो तितली जिसको टेम करने की बात हो रही थी। बट ये लेवल 10 की है, थोड़ी आगे वाली देख के आते रहो इसकी लेवल कितनी है। भाई साहब अपनी लेवल बताना, 70 लेवल है। ये इसको टेम करने जाएंगे ना, ये कुछ तो गैस छोड़ती है, ठीक है, और ये गैस जब छोड़ती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। ले पकड़ लिया भाई, ये देखो गैस छोड़ दी इसने। आ जा, इसके ऊपर मैं कम से कम बैठ के उड़ तो सकूंगा, इजी पीजी। बट मेरे को नहीं पता इसको टेम करने के लिए क्या। हाँ, ये जो गैस छोड़ रही है ना, इससे मेरा स्टैमिना ड्रेन हो जाता है या फिर फूड ड्रेन हो जाता है, ऐसा कुछ तो होता है। चलो ठीक है, ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, इधर मेरे को क्रिस्टल मिल सकता है, बट उधर ना रैक्स का भी बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, ठीक है, रैक्स लोग का भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है। अरे फिर गैस छोड़ी इसकी, ऐसी तैसी मैं दूर हूँ, तेरी गैस की रेंज में नहीं आ रहा। अरे कहाँ को जा रही हो? ए देखा देखा देखा, उसके अंदर गैस के अंदर आते ही कैसा स्लो हो गए। अरे यार चल लेना, पैरों में कुछ तो चिपचिपाहट आ गई है। चलता रहे, घर को मैं कैसा ना कैसा करके ढूंढ लूँगा, मेरे को चाहिए तू, अभी मेरी रिक्वायरमेंट तू है अभी। और बच गई तेरी ऐसी की तैसी। कहाँ को जा रही है? ताला खोलियो है मेरे पास, भूलियो मत। चल ठीक है, वो छोड़ रही है गैस, वो गैस से बस मेरे को दूर रहना, ठीक है। इतना और बचा, मेरे को नहीं पता मेरे पास में अभी कितने। अरे कहाँ को जा रहा है? टॉर्पर तो हिट हो रहा बस, क्या कौन है? अरे हट बाजू, हट यहाँ से। अरे कहाँ चली गई? हाँ दिख गई। भाई क्या मजा आ रहा है ताला गोलियों के ऊपर बैठ कर ट्रेवल करने में इधर। अच्छा, कहाँ तक जाएगी? जहाँ जाएगी मुझे पाएगी। एक दो और बची। आ जा, एक और बोला मारूंगा ना, वो लगेगा नहीं उसको, इसीलिए। अरे यार ये बहुत दूर जा रही भाई, बहुत दूर निकल लिए। छोड़ दूंगा इसको, हैं, इसको बाद में कभी ट्रैप कर लेंगे। मेरा तो मन कर रहा है ये ऐसी सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, ऐसी कोई पहाड़ी चढ़ जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो सामने वाली पहाड़ी पर जाएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं लेवल 10 का भी टेम कर सकता था, बट मैंने 10 वाला टेम नहीं किया, क्योंकि उसको अगर मैक्स लेवल का भी अगर वो कर लेंगे ना अपन, अपग्रेड कर लेंगे, तो भी वो 100 लेवल तक पहुँचेगा नहीं। मतलब 10 लेवल के बंदे को अपग्रेड करेंगे ना, तो वो 60-70-80 लेवल तक जाएगा। मेगा थेरा थीरियम, अरे यार इसका कुछ तो नाम है भाई, इसका कुछ तो नाम है। तुम्हारे अगर नज़दीक जाऊंगा, मत कर। इसकी लेवल की वेयरवुल्फ नहीं भाई, भाई नहीं, मैं बहुत ऊपर निकल गया हूँ तुम सबसे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। हेलो, आई गेस इतना सफिशिएंट है यहाँ पर रहते। सामने 21 घूम रहा है, ठीक, हमारे सामने 21 है। मैं इसको ना वो करके देखता हूँ, एक बार एक दो एरो मार के देखता हूँ, अगर कुछ काम बन जाए तो बहुत मस्त काम हो जाएगा, है ना ये, क्योंकि बॉस फाइट के बहुत ज़्यादा काम में आते हैं भाई। तू इधर ही न्यूट्रल रहना, ठीक है, इधर ही रहना, तेरे को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सफिशिएंट है, हो जाएगा। आजू बाजू का एरिया तो मैं खुद ही क्लियर कर लूँगा भाई। हाँ ऐसे खड़ा रहे, बस वेरी नाइस। भाग रहे। अरे हो गया मेरा काम, मिल गया अपने को मेगा सेरा थेरियम, क्या नाम है इसका। आ जा, कम ऑन। अरे तू हट यार बीच में से, भाई लोग की लड़ाई चल रही है, तू बीच में नहीं आना। इक्वीस को मार रहा है, हट साले। अच्छा यहाँ पर फंस गया क्या? आ जा। नहीं, पीछे ये लग गया मेरे, पीछे लग गया वो माइक्रो रैप्टर, वो काटता ना मैं नीचे उतर जाता। हट बे यहाँ से, हट यार। एक काम करते, रहन दो, ये टेमिंग छोड़ो अभी ना, पहले वो जो अपना क्रिस्टल वाला प्रॉब्लम है ना, पहले वो सॉल्व करते हैं, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन भी करते हैं। इधर ज़रा मज़ा आ रहा है इसके ऊपर बैठ के ना, थोड़ा फास्ट ट्रेवलिंग हो रही है। ऊपर चढ़ के देखते हैं एक बार, यहाँ से डेडिकेटेड रास्ता तो बना हुआ है ऊपर साइड में, बाय चांस अगर मेरे को क्रिस्टल मिल गया। पिछले एपिसोड में मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मेरे को क्रिस्टल मिल गया, बट वो निकला सॉल्ट, रॉ सॉल्ट मिला है। 15 सेकेंड के अंदर वो खत्म हो जाए। भाई साहब, अरे हट बे, हट यहाँ से। 21 भाग जा, 21
हाँ निकल ले, 15 सेकंड, 2 सेकंड बचे और अपना एक्सपीरियंस पोशन हो चुका है ख़त्म। तो इसकी हेल्थ कर देता हूँ मैं 7.5, ठीक है। स्टेमिना कर देता हूँ 1200, 2 कर देंगे मेली डैमेज, 1 कर देंगे मूवमेंट स्पीड, ठीक है। इतना सफिशेंट रखा है। मेटल वाला वेपन आ जाओ, ट्रांसफ़र पेल्ट, ट्रांसफ़र हाइड, ट्रांसफ़र एरो, और क्या है बाकी, ये पिकैक्स विकैक्स, ये पत्थर वाले मेरे अब काम के नहीं है क्योंकि अपने पास सिर्फ मेटल ही मेटल पड़ा हुआ है। हाँ नार्को बेरी दे दो, इससे मैं नार्कोटिक्स बना लूँगा। लो भाई साहब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कहाँ जा रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिल गया है क्रिस्टल रेयर मशरूम के साथ, ला ला ला। अब मैं कंगारू को भी पकड़ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ईजी पीजी कंगारू भी अब आ जाएगा। ऑब्सीडियन भी ले लो आए है तो। इतना क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हो गया मेरा खुद का वेट। एक काम करो भाई साहब, तुम अपना वेट 1300 कर लो और तुम अपनी क्राफ्टिंग स्किल नहीं फोर्टीट्यूड बढ़ाओ तुम अपना, ताकि तुम कम से कम यहाँ सर्वाइव कर सको, है कि नहीं। मेरे पास में कितना क्रिस्टल हो गया टोटल अगर चेक करेंगे, 100, 200, 300। अरे रे 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 भाई बहुत ज़्यादा है तेरे, तू मार खा लेगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू मार खा लेगा। अरे मेरा बंदा बढ़ क्यों नहीं रहा? अच्छा तेरे पास में उतना वेट मैं मतलब कैरी नहीं कर सकता क्या तू? तो एक काम करना, तू तेरे पास से ना अच्छा खासा मीट फेंक दे, बाकी नीचे का जो भी है मैं खुद फेंक देता हूँ, बस इतना सफिशेंट है। अब तू चलेगा? अरे वॉट, वेट की वजह से चल नहीं पा रहा क्या? तो मैं एक काम करता हूँ तेरी इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। नहीं यार इसके ऊपर बैठने के बाद वेट की दिक्कत आ गई यार अपने ताइला कोलियों की, इतना मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, 100 पत्थर फेंक देता हूँ, फाइबर फेंक देता हूँ, ठीक है फाइबर बहुत है, कैक्टस फेंक देता हूँ, स्पीयर फेंक देता हूँ और जितना भी पत्थर है ना सारा का सारा फेंक देता हूँ, शायद से अब कर पाएगा। क्रिस्टल, क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हैवी है, चलो थोड़ा बहुत क्रिस्टल फेंक दिया। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा है अपना बंदा, बट हाँ ठीक है चलो पहुँच जाएंगे, चलते अब घर चलते फटाफट से। वैसे अभी मैं जस्ट घर जा रहा था और मेरे को यहाँ पर ना कुछ तो अजीबो गरीब चीज़ दिखी भाई, ये मेरे को नहीं पता नीचे खाई है या क्या है, जो भी है यार मैं ना थोड़ा सा 100 क्रिस्टल और फेंक रहा हूँ ताकि मेरा बंदा कम से कम स्पीड में चल सके। नीचे कुछ तो है, ये कहीं वेवन वाली जगह तो नहीं है, है? मत कर, हट हट बाजू में, ये कमज़ोर रैप्टर अब क्या मेरे को, ये चिंदी लोग मेरे को मारेंगे हैं। जाके देख रिकॉर्ड में, मैंने कहा ना लास्ट एपिसोड में भी कहा था, रिकॉर्ड जाकर देख मेरा। इधर आई गेस वेवन का सीन होगा यार नीचे साइड में कहीं, ग्रैपलिंग हो के अपने पास में चले के नीचे, केव तो नहीं है कहीं? बहुत बड़ी जगह है भाई ये, बहुत बड़ी जगह है। अभी दिक्कत एक ये हो गई है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ, तो मैं पहाड़ी के पास तो जा रहा हूँ, ये इतने सारी पहाड़ी है यार यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आए थे कहाँ को जा रहे हैं। शायद ये वाला रास्ता हो सकता है, काला वाला रैप्टर रहने, अपने काम का नहीं है अभी यार। ये वाली पहाड़ी के बैक साइड में था क्या मेरा घर? मेरे घर कहाँ है तू? रैप्टर नहीं आना मेरे पास, बहुत तोड़ूंगा गंदा। इधर साइड में था क्या? वेयर इज माई घर? ये देख रहे हो जस्ट अभी क्या स्पॉन हुआ यहाँ पर, ये बड़ा सा जाइंट, इसका नाम क्या है वैसे? कुछ तो नाम है इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जस्ट अभी मेरे आंखों के सामने स्पॉन हुआ। यार अपन देखो पानी के पास में आ चुके, ठीक है, और कुछ ऐसी ही जगह थी जहाँ से मैं ट्रेवल करके गया था, क्या हम सही जगह पर है या फिर मैप खोलेंगे तो? नहीं मेरे को यहाँ से ना राइट की दिशा में जाना पड़ेगा, मेरा घर राइट में है जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे को इधर साइड में कहीं जाना पड़ेगा, इधर कहीं होगा यार मेरा घर पानी के साइड में। ताइला गोलियो थैंक यू सो मच यार पटने के लिए, भाई तू नहीं होता तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती और हो रही है। या फिर मेरा घर ये जो सामने वाला बॉस फाइट की लोकेशन दिख रही है, क्या मेरा घर वहाँ तो नहीं है? ऑसम टेलीपोर्टर की मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत है, बट ये बनता कैसा है? कौन है? तेरा ऊ करने तक तेरा ऊ ही निकाल दिया साले, भाग यहाँ से। शायद इस वाली जगह पर कहीं मेरा घर, अरे यार बहुत दिक्कत हो गई भाई, घर मिल नहीं रहा मेरे को अब यार। अभी जस्ट तो हम ये साइड से घूम के कहीं गए हैं,
वो बॉस फाइट वाली जगह दिख रही है, अपन वहाँ तो चलते पहले कम से कम, उसके बाद देखा जाएगा। टैक रैप्टर मिल गया है, टैक रैप्टर इसको तो मैं ही मारूंगा, टैक वाले को मैं ही तोड़ूंगा। हटो हटो पूरे हटो पूरे हट जाओ, चल तू जिंदा रह, बाकी मेरे को तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ टैक रैप्टर को तोड़ना था। ये पानी है ठीक है, वो सामने बॉस फाइट वाला कुछ तो दिख रहा है, बंदे का वेट बढ़ाना पड़ेगा पहली फुर्सत में, ताकि मैं कम से कम इजी पीजी घूम सकूं। टेलीपोर्टर चाहिए मेरे को और टेलीपोर्टर रिमोट चाहिए बस, बगैर उसके तो अभी याद नहीं है ना मेरे को, मतलब वो नहीं पता ना इस मैप के अंदर कहाँ जाना होता है क्या होता है। और अभी 5-6 एपिसोड, अरे आ गए घर के पास में आ गए, 5-6 एपिसोड ही हुए तो रास्ते याद करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आ गए भाई साहब हम अपने घर के पास, लेट्स गो। दे 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 पूरा इलेक्ट्रॉनिक माल दे दे, जो तेरे काम का नहीं है पूरा का पूरा मेरे को तू दे दे, तेरे को थोड़ा सा फोर्स फीड कर देता हूँ ताकि तू खाना वाना खा मस्त रह, और बाकी सारे के सारे न्यूट्रल हो जाओ ठीक है, सारे के सारे न्यूट्रल। एक और लेवल अप हो गया ना मेरा, इतनी सारी चीजें क्या बढ़ाऊं मैं अपना, नहीं अबकी बार ना खाना बढ़ा लेते भाई, खाना अगली बार में, फिर पानी वानी वो बढ़ा लेंगे। क्रिस्टल आ गया, मेरे को बनाना है क्रिस्टल बॉल, कितने बना लूं, ये 100 बन रहे तो मैं एक काम करता हूं अभी फिलहाल में 10 बना लेते हैं, 10 भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उतने तो डायनो है नहीं मेरे पास में, थोड़े से एक्स्ट्रा में हम रहने देंगे अपने पास में, कभी इन फ्यूचर आगे जाकर किसी को टेम करेंगे तो क्रिस्टल बॉल में डालकर उससे घर लेकर आ सकते। बाकी जो खास मटेरियल था वो चुपचाप से यहाँ पर ट्रांसफर, सोल वॉली कर दिया, बताओ ट्रांसफर 20 बन गए भाई, 10 बनाना थे 20 बन गए, चलो ठीक है। वेरी नाइस, रेयर मशरूम आ गया मेरे पास में, रेयर मशरूम से अब मैं इजीली टेम कर सकता हूँ। बाकी क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक हाइड बहुत सारा माल, सिल्क भी ट्रांसफर इधर, फाइबर भी ट्रांसफर, रेयर मशरूम मशरूम ना इधर डाल देता हूँ है ना, ये रेयर मशरूम और रेयर वाली चीजें इधर रहेगी पूरी। बाकी अभी तक तो सारी चीजें बढ़िया चल रही है, मेरे पास नार्कोटिक रेडी है ठीक है, मैं 70 के 70 एरोज और बना सकता हूँ बट अभी बना नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने प्लान नहीं किया ना कि हमें टेम किसे करना है। अरे तेरे को प्यास लग रही है, अरे तू बोल ना भाई, तू बोल ना, तू बोल, मैं यहाँ से पिलाता हूँ ना तेरे को पानी, ये ले। मन तो कर रहा है जाके वो रैक्स को ही पकड़ दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रैक्स बहुत आसानी से टेम हो सकता है। बट ना 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 ना, एक चीज़ बोल रहा हूँ, सोल बॉल बना लिया, ऑसम टेलीपोर्टर, सॉरी ऑसम स्पाई ग्लास नहीं बनाया, उसके लिए लगता है अपने को क्रिस्टल फाइबर हाइड और वुड ठीक है। इसके अंदर अपना ऑसम कितने बनेंगे, 20 बन रहे तो अभी सिर्फ 2 बना रहा हूँ मैं, एक अपनी इन्वेंट्री में एक घर में रखेंगे ताकि अगर मर भी जाए तो घर पर सुविधाएं हो। मैं ज़्यादा सामान अपने घर पर इसलिए रख रहा हूँ कि बाय चांस मैं मर भी गया ना कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर जाकर मैं सामान रिकवर नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास कम से कम घर पर सारी चीज़ें हो, सब चीज़ प्लान करके करनी पड़ती है भाई। बाकी एवरीथिंग इज बिल्कुल चंगा। अब बोला कि भी मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टॉर्च भी रख लेता हूँ, टेंट रहने देते, इधर आ गया ऑसम स्पाई ग्लास, ये टेंट, बाकी तो सब फालतू का माल पड़ा है। तो अब एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर, वैसे यहाँ पर नहीं, मैं बना रहा हूँ और बहुत सारे ट्रैंक एरोस, कितने बन रहे, 70 बन रहे, 70 के 70 बना रहे, क्योंकि नार्को बेरी में आजू बाजू से जाकर ना फिर लेकर आ जाऊँगा अपने पैरासोर के ऊपर बैठकर, तो मैं और एक्स्ट्रा नार्कोटिक बना सकता हूँ ताकि मैं डायनासोर्स को बेहोश रख सकूँ। पैरासोर एरोस बन रही है, क्रॉसबो को 100% रिपेयर कर लेंगे अगर रिसोर्सेस होंगे तो, होगा रिपेयर नहीं, इसके लिए फाइबर इंगट और वुड लगेगा ठीक है। 2-2 क्रॉसबो बना रहा हूँ अब मैं, सब है मेरे पास में सामान, क्योंकि वैसे तो 8 बन रहे हैं बट मैं सिर्फ 2 बना रहा हूँ ठीक है, और जो मेरे पास रखी हुई है ना ये, इसको मैं रिपेयर भी कर लेता हूँ, तो 3 हमारे पास में क्रॉसबो जाएगी और टोटल अब हमारे पास में 124 ट्रैंक एरोज हो चुके हैं, जिसके अंदर एक रैक्स आसानी से मेरे पास में आ जाएगा। बट सोच रहा हूँ मैं उसको अपने तरफ बुला कर उसे चारों तरफ से दीवार से घेर लूँ, एक साइड तो पहाड़ रहेगा और मैं इजीली करके उसे पकड़ सकता हूँ। बट चलो ठीक है, वहाँ जाने के बाद में देखते हैं, अभी नार्कोटिक लेके आना है मेरे को, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सारे क्रॉसबो मेरे पास में रेडी, ऑसम स्पाई ग्लास रेडी, 2 क्रॉसबो इन्वेंटरी के अंदर है, क्रिस्टल रहेगा भाई इन्वेंटरी में, 11 नार्कोटिक तो है, खाने के लिए मेरे पास में ये कैक्टस सैप है तो मैं खा के ना अपना पूरा वो कर लेता हूँ, खाना भी खत्म हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, 100% रखना। मेरी हेल्थ की तो पूरी की पूरी वाट लग रही है, घर के अंदर लग रही है, बट टेंशन नहीं, चलो ये कर लिया भाई, टैन टैन है पूरा का पूरा 100%, घर के बाहर आ जाओ, हेल्थ पूरी हो जाएगी रिकवर। मेरे को लेना है अभी बहुत सारी नार्को बेरी ठीक है,
जितनी नार्को बेरी मिलेगी अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा मिल गई तो ज्यादा से ज्यादा अपने पास में नार्कोटिक्स बन जाएंगे फिर, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो तुम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे नार्को बेरी को नार्कोटिक्स बोल दूंगा, जो भी है ठीक है, समझ जाना बस। आई गेस इतनी बेरीज सफिशेंट होगी ना, कितनी आ गए टोटल अपने पास में, एक बार चेक करते हैं। नार्को बेरी टोटल, अरे 100, 200, 300, अरे भाई हो गया, हमारा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया है। ये लो पूरी की पूरी नार्को बेरी इधर, और सारा का सारा नार्कोटिक जेब में। कितना बन रहा है, 68। तुम देखना यहाँ पर कितना नार्कोटिक हो जाएगा, बस तुम देख दे रहा हो, 200-300 के करीब करीब तो बन गया भाई। चलो एक काम कर दो, 100 और ये 40, टोटल 150 नार्कोटिक है मेरे पास में, और 124 एरोज है, जो कि आई गेस एक रैक्स को पकड़ने के लिए इजी होगा। तो ठीक है चलो सीधा रैक्स के ऊपर जंप मारते हैं चलकर, चढ़ना है अपने को। एक काम करते हो, राइट साइड से थोड़ा सा ऊपर साइड से चलेंगे, क्योंकि रैक्स ना लेफ्ट साइड से। टायला गोलियो भाई यार, तू कितना औसम है भाई, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तू ऐसी ऐसी सिचुएशन पे मेरे काम में आया ना, जैसे केव्स के अंदर पहाड़ चढ़ने के लिए, दीवारें चढ़ने के लिए, जहाँ पर दूसरे लोग काम में नहीं आते उतने ज़्यादा। अभी अपने को सेबर तूत का भी लेवल अप करना है, और अपने वुल्फी का भी लेवल अप करना है, सेबर तूत नहीं है, अपने स्कार का लेवल अप करना है, ठीक है। स्कार का ये है अपना शेर खान, वैसे है फीमेल बट शेर खान नाम रख दिया इसको, बाद में पेस जब अनलॉक होगा तो उसको शेर खान कर देंगे हम। इतनी दूर तो नहीं था रैक्स, रैक्स बहुत ज़्यादा नज़दीक था, मैं ज़्यादा दूर आ गया हूँ। हाँ रैक्स इधर नीचे साइड में था ना। टाइटन बुआ काहे घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? अरे 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 अरे, टॉर्पर मार दिया क्या भाई इसका? थोड़ा सा टॉर्पर हिट कर दिया था इन्हें। हेल्थ इसकी 8-9 हज़ार कर लूँ क्या, या फिर 7 हज़ार भी सफिशेंट है? एक काम कर भाई, तू वेट ही बढ़ा ले, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दिया सीधा वेट। रैक्स यहाँ घूम रहा था ना, अरे रैक्स कहाँ चला गया? रैक्स तो पिछले दो एपिसोड से इधर ही घूम रहा है, कहीं रिस्पॉन तो नहीं हो गया वो यहाँ से, या फिर कोई ऐसा मिल गया होगा उसको जिसको देख कर वो भाग गया। अरे ये वेवन है, वेवन वाली जगह चले क्या? एक सेकेंड, तुम्हारी लेवल कितनी है, है? तुम्हारी लेवल कितनी है बताना, तुम्हारी लेवल कितनी है बताना। सेबर तूत होके तू, सॉरी सेबर तूत नहीं, तायला कोलियो। अरे लेवल कितनी है वो बता तो सही, बता ना मेरे को लेवल जानना है, तेरी कितनी लेवल है? नहीं यार इसको इससे असर नहीं होता कुछ। चलो ठीक है जो भी है तू निकल ले, अब जाने दे मेरे को, आ जाओ भाई। रैक्स तो दिख नहीं रहा यहाँ पर, वेवन अरे दिख गया ना भाई, बहुत सही जगह पर है तो। और मैं ऑसम स्पाई ग्लास, देखो इतने दिन से मेरे पास में था नहीं ऑसम स्पाई ग्लास, तो मेरे को अरे 9,000 है इसका टॉर्पर, अरे मेरा काम हो जाएगा भाई बहुत मस्त। एक सेकंड, ये तो सरप्राइज है। अरे 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 अरे, हो गया 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 हो गया, अपना काम होगा भाई। ऐसे रहता हूँ मैं, ऐसा चिपका हुआ, कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। देखना है मेरे को कितना टॉर्प और हिट हो रहा है। नहीं ये एरोस कम करने वाले, इसको हमने लास्ट एपिसोड में मारा था, इसका टॉर्प और अभी भी हिट हुआ हुआ है। 3,500 इसकी हेल्थ है यार, ये 90 लेवल का है, 3,500 कैसी हेल्थ है इसकी, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना। चलो ठीक है, इतने एरोज़ के अंदर जितना काम हुआ हुआ, बाद में जाकर अपन और एरोज़ लेकर आ जाएंगे। बट ये वाला कितने लेवल का है, हैं? ये भी 90 लेवल का है, ये भी 90 लेवल का है, ये मेल है और ये फीमेल है। चलो ठीक है, 2400 टॉर्प और 2500 टॉर्प और हिट हो गया है, ऐसे इंतज़ार करते एक बार, शायद से बंदूक भी अनलॉक हो गई है। अब ट्रैंकुलाइजर शॉट भी अपन ना बना सकते हैं, ट्रैंकुलाइजर शॉट से तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिर, उससे ज़्यादा टॉर्प और हिट होता ना, इसकी हेल्थ भी कम हो रही है यार। चलो ठीक है फटाफट से अब शॉट्स मारते हैं इसको। टायला कोलियो की वजह से बड़ी आराम ही हो गई, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है ना वो पहाड़ की दीवारों को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से मैं ऐसे स्लाइड पर भी अगर मैं सिर्फ खड़ा होता ना यहाँ पर, सीधा उसके मुंह के अंदर जाके गिरता। अभी 4,000 हिट हो गया है, सिर्फ आधा बचा हुआ है, ठीक है, तो मतलब 4,000 पर पहुँच गए, 40% काम हो गया है, बस ये भागना चालू कर देगा तो थोड़ा देखना है। वैसे भी टायला कोलियो कहीं दूसरी जगह भाग ही जाएगा, आसपास का माहौल मैं ऐसे ही क्लियर कर लूंगा इसकी, ऐसी की टन टमाटन। 5,000 भाई साहब हम हिट करने वाले, 96 एरोज है, हो जाएगा 100 एरोज के अंदर अपना काम हो जाएगा। दीवार अगर होती ना मेरे पास, इसको ऐसे पीछे साइड में दीवार बनाता और इसको ट्रैप ही कर लेता भाई, वरना ये रैक्स लोग के ट्रैप बनाना बहुत ज़्यादा
मैं काम कर रहा हूँ, लेवल अप हुआ है मेरा, मेली डैमेज बढ़ा रहा हूँ मैं खुद का, ठीक है बस इतना सफिशिएंट है। अब देखते हैं अब कितना हिट हो रहा है। नहीं ये तो क्रॉसबो की पावर होगी। 6000 भाई 6000 पहुँच गए, 6000 ऑलमोस्ट पहुँच गए अपन। बस भाग मत तू, बस भाग मत जा, ठीक है ये 7000 के करीब जाएगा और भागना चालू कर देगा। देखना ये थोड़ा सा अलर्ट हो रहा है, अब 7000 के करीब जाएगा और ये भागना चालू कर देगा। मेरे को दूसरे रैक्स को पहले फिनिश करना पड़ेगा फिर तब जाकर कुछ होगा। 7000 बस पहुंचने पे अपना टॉर पर। दूसरा वाला इधर खड़ा हुआ है यार। ए, ये जगह पे मगरमच्छ क्या कर रहा है, है? कबरुचुकुस क्या तो नाम है इसका, 110 लेवल का भाई। चलो ठीक है जो भी कर रहा, 7000 जैसी होगा ये भागेगा, 7000 जैसी होगा ये भागेगा। अरे 7000 हो गया, भागा नहीं क्या? 8000 पे भागेगा फिर, 8000 पे दौड़ना चालू कर देगा ये। हो जा हो जा हो जा हो जा, चल भाग भाग बेटे भाग, मेरे को पता था, चल भाग भागना चालू कर, भागना चालू कर। ले कहाँ तक जाएगा? जहाँ जाओगे हमें पाओगे बेटे, तुम्हारे पापा आ चुके। अरे आओ आओ लग जा, आ रहा है क्या वापस? अरे 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 आ जा आ जा आ जा आ जा, नहीं आएगा, मेरे को पता है ना तू नहीं आएगा, नहीं आएगा, तेरी स्पीड भी स्लो है अब तो। चल भाग, कहाँ तक भागेगा भाग, पिछवाड़े में दूंगा तेरे अब मैं। जा 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 जा, कहाँ तक जाएगा, आ कहाँ तक जाएगा बता। ज़्यादा भी नज़दीक नहीं जाना इसके मेरे को, ठीक है? ज़्यादा नज़दीक जाऊँगा खिल जाऊँगा बहुत गंदा वाला। कहाँ जा रहे हो मुन्ना, एक दो हिट के बच्चे हो तुम। अरे यार हट, बीच में काहे डिस्टर्ब कर रहा है, हट यहाँ से। 56 एरोज मेरे पास, ब्रदर नो, ब्रदर नो, चल हट चल हट। टरा 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 टरा, अरे मैं इतने बड़े बड़े जानवरों को ठेल दे रहा हूँ, गधे के बच्चे तुम लोग क्या चीज हो, हट बाजू है। बाकी और क्या खतरा है यहाँ पर आसपास में? टेक्रेक्स, ओ माय गॉड, इसको तो टेम करना बनता है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा हूँ। बस मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी इसकी इन्वेंटरी के अंदर रख रहा हूँ मैं मीट, ठीक है? और इसको केबल कौन सा लगता है? एक्सेप्शनल केबल लगता है, ठीक है? एक्सेप्शनल केबल मेरे पास है क्या? यस एक्सेप्शनल केबल 45, उससे बन जाएगा। मैंने अनलॉक किया क्या बटी से? हाँ अनलॉक कर लिया, लेवल 20 पे ही कर लिया। मेरे को मेटल लगेगा, और इसको कितने केबल देने पड़ेंगे अपने को? बस कहाँ लिखा हो, 2 केबल लगेगा मेरे को, बस मेटल आसपास से लेकर आना पड़ेगा। मेटल तो क्या ये ऊपर कहीं पर भी मिल सकता है मेरे को, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी वो टेक रैक्स को ना मेरे को दूर लेकर जाकर छोड़ देना पड़ेगा। हट 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 हट, मेरे को नहीं चाहिए किसी से भी दिक्कत, और ना लेना है अभी फिलहाल में किसी से पहंगा, वरना कर दूंगा मैं तुम सबको नहंगा, समझ में आया ना? मेटल 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 मेटल, चल बेटे मेटल दे दे। अरे कहाँ है मेटल, मेटलवा किधर गया? नहीं 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 नहीं, अरे इधर रैक्स, कितने रैक्स है यहाँ पर? ये वैसे लेवल 20 का रैक्स है, ये इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। चल तेरी हेल्थ कर दे तू, मैं और तेरा मेली डैमेज बढ़ा दे तू एक बार, जा ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। 20 लेवल का ये कुछ काम का नहीं है मेरे भाई। अपन ना बहुत दूर आ गए, मैप अगर बताऊँ ना तुमको, देखो मैप कितना सारा एक्सप्लोर कर लिया अपन ने, अब जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई तो आ रहा था, जरबुआ है यार, मेरे घर पे भी मेटल नहीं रखा हुआ है, तो मैं घर पे जाके भी कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर आसपास में कहीं मिल जाता ना मेटल तो मस्त काम होता। प्लीज मिल जा प्लीज मेटल, वेर आर यू? चलो ठीक है, ये इधर पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, इसको मैं वो कर देता हूँ ना, एक दो नारकोटिक खिला देते, क्या बोलते हो? ये 1, 2 और ये 3, बहुत समय लगने वाला है इसको, अभी भूख लगेगी, फिर भूख लगने के बाद में ये खाना खाएगा, फिर अपना होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो मैं इस, अरे मिल गया भाई मेटल, चलो मेटल मिल गया, मेटल मिल गया, इतना कॉर्नर में छुपा हुआ था। ओहो ओहो ओहो, जितना चाहिए नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मेटल मिल गया है अपने को, वेरी नाइस। तो बना ले भाई, टोटल अपने को 1 और ये 2, ठीक है? अपना खाना बढ़ाया था ना, अब की बार पानी बढ़ा लेते हैं। 2 एक्सेप्शनल केबल आ गए, इसके से पूरा मीट हटा दो, ले लो ये दोनों के दोनों इधर ट्रांसफ़र,
अब तुम आराम से यहाँ पर बैठे रहो, बाकी मैं तुम्हारा आसपास का माहौल क्लियर करता रहूँगा, ठीक है? तुम किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। टॉर्नी ड्रैगन बाय बाय ब्रदर, बाय बाय। बाकी ये जो पिग है ना, मैं ये डियोडॉन को फिनिश कर रहा हूँ। ये डियोडॉन बहुत परेशान करते भाई, डियोडॉन बहुत ज़्यादा परेशान करते, तो उनको मारना ही बेटर। अरे देखो इधर इतना सारा मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है चलो। बाकी टैकरैक्स है, टैकरैक्स को छेड़ना नहीं है, और कुछ और तो कुछ इधर उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, ठीक है? तो इंतज़ार करते हैं अब इसके पास में बैठ कर। कॉर्नर वॉर्नर में थोड़ा सा वो कर दूँ क्या इसको? एक काम करता हूँ मैं, इधर चढ़ के बैठूँ, ठीक है? इधर बैठे रहते हैं एकदम मुँह के सामने भी नहीं। और टैकरैक्स अगर मेरे पीछे लग जाएगा बाय चांस आ गया गलती से, तो उसको मैं ऐसी सेफ जगह पर पहुँचा दूँगा, मतलब मारेंगे नहीं उसे अपन, उसको अपन वो कर लेंगे कोई सेफ एंड सिक्योर जगह पर लेकर जाकर उसे फंसा देंगे, और फिर बाद में उसको इजी बीजी टेम करेंगे। क्योंकि उसको टेम करने के लिए मेरे को कम से कम 200 से 250 या फिर 300 मेरे को ट्रैंक एरोज लग सकते हैं। बट अब की बार मतलब अगली बार ट्रैंक एरोज नहीं लेकर आएंगे अपन, लेकर आएंगे वो बंदूक, ठीक है? बंदूक से शॉट्स मारेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। एक और लेवल अब, चल ठीक है मूवमेंट स्पीड कर ले बेटा, जा तू भी याद रखेगा। वैसे अभी कितने बज रहे एक बार देखते हैं टाइम, 15 बज रहे हैं, मतलब 15:13 मतलब 1:14 मतलब 2, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। डे 6 है, साउथ ईस्ट में अभी हम, और 29 डिग्री टेम्परेचर तापमान चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। 5 मिनट तो हो गए इसको अभी बेहोश होकर, बट अभी भी कोई वो नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं है, 1-2% का भी ये टेम हुआ नहीं। टॉर्पर इसका कम हो रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज रात तो हो जाएगी आराम से, एक रात तो इधर बिताना पड़ेगी, या फिर आज का पूरा दिन बिताना पड़ेगा, या फिर रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। और जब इसका टॉर्पर ना 5-6 हज़ार के करीब आ जाएगा ना, फिर उसको एक साथ नार्कोटिक खिला के उसका टॉर्पर फिर हिट करेंगे। बाकी अब करते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर इंतजार, ओके। A few moments later. तो भाई लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद में अभी हमारा जो रेक्स है वो 70.8% टेम हो चुका है, 30% बचा हुआ है। मैंने ना इसको नार्कोटिक दिया हूँ, कुछ नहीं दिया हूँ, बस मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। 70% तो ये टेम हो चुका, 4-5 मिनट या 10 मिनट के करीब और शायद से वक्त लगेगा, उसके बाद में ये रेक्स हमारा हो जाएगा। फटाफट से इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या रखा जाए। और इतनी देर यहाँ पर इंतजार करने के टाइम में मेरे को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया भाई, सब मतलब अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। थोड़ी देर और इंतजार करेंगे तो फिर रेक्स को लेकर सीधा घर जाएंगे भाई। अरे 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 भाई, अरे भाई तू कहाँ से टपक गया है, तू कहाँ से टपक गया बता? खामा खा भाई, खामा खा की दिक्कत कर रहा है, कहाँ से टपक गया तू? मैं अच्छा बैठा था, कितनी देर से बैठा हूँ भाई ऊपर, फालतू का आगे डिस्टर्ब कर दिया। बाकी और कोई है क्या यहाँ पर? टाइटन बॉ को तो मैंने ही दिया था, चलो ठीक है। रेक्स कितना हुआ तू? 70% पर अटका हुआ है, चल ठीक है। नार्कोटिक तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, अभी भी इसका टॉर्पर 8,000 के करीब है। ये सामने ना कुछ तो दिख रहा है, पता नहीं ये घर है या फिर ये क्या चीज़ है, देख रहे हो? ये कुछ तो बना है, बहुत दिन से मेरी यहाँ पर नज़र है। टेरर बर्ड लोग को देखो कैसे किसी को धो रहे थे अभी पकड़ के। बाकी मन तो कर रहा है मेरा इसको भी मैं टेम कर लूँ, क्योंकि ये 210 लेवल के यार, सारे के सारे फीमेल ही मिल रहे हैं मेरे को, थोड़ा मेल चाहिए। बट फीमेल हो या मेल हो अपने पास तो पेस्ट है, अपन कुछ भी कर सकते हैं। क्राफ्टिंग स्किल बढ़ाते अभी, और टोटल हम 58 लेवल पर आ गए। वैसे सोलगन के लिए मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट लगेगा, वो तो मैं बना लूँगा। मेटल इंगट भी है और पॉल्यूमर भी है, क्योंकि पॉल्यूमर ये टेक वाले डायनासोर को तोड़ तोड़ के अपन ने बना लिया। बाकी सोल टर्मिनल के लिए ऑयल लगेगा, ऑयल भी है, पॉल्यूमर भी है, इंगट भी है। अरे ये दोनों भी, तीनों भी चीज़ें अपनी बन जाएगी। सोल फाइंडर तो ये हैच से बनेगा, तो इसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार चेक करते हैं कि लेवल 58 पर क्या क्या चीज़ें अनलॉक हुई है। तो लेवल 58 पर असॉल्ट राइफल आ गई अपने पास में, रोल रेड सैडल भी अनलॉक हो चुका है, जो बड़ा सा चूहा घूमता है ना वो भी हो गया है। बाकी ये फ्लेक जो आर्मर है मेटल वाला, ये कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक आर्मर काम में भी नहीं आएगा। हाँ ये हार्वेस्टर अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि जब अपन ग्रीन हाउस वो बनाएंगे ना, तो ये इसको छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। पंप एक्शन शॉटगन, ठीक है,
बाकी चेनसॉ भी आ गई, चेनसॉ से वुड बहुत ज्यादा स्पीड में मिलता है। बंक बेड अनलॉक हो चुके हैं। उसके बाद में और क्या है, कैंटीन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि पानी अपने घर के पास में ही है। उसके अलावा ये मेटल के गेटवे, ये सारी चीजें आ चुकी है। वॉर मैप बनाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रिल बनाना है अपने को, विंड टर्बाइन बनाना है, एस प्लस वाली ग्रिल क्योंकि इसके अंदर बनेगा ना खाना। हाँ, मेटल पंप बनाना है। मेटल पंप के लिए 600 इंगट लगेगा, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। बाकी जनरेटर वनरेटर सारी चीजें, हाँ फैब्रिकेटर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूमर, कारनों का भी सडल अनलॉक करने थे। अभी तक मेरे को एक भी कारनो नहीं मिला। रेक्स मिल गया और बहुत सारे वुल्फ मिल गए, सेबरटूथ मिल गए, टाइटनोबोआ मिल गया, डुओडॉन मिल गया, फिर वो जो बड़ा सा डायनासोर था जिसके ऊपर पूरा बेस बन जाता है वो भी मिल गया। ये क्या है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इसको। बाकी मेंटिस का भी सैडल है, डेयर वुल्फ का नहीं, ये तो बियर का सैडल है। बाकी और तो इतना कुछ खास है नहीं, सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया है। रेक्स क्या हाल चाल है ब्रदर, कुछ प्रोग्रेस या फिर नहीं? यार हो जाना भाई, जल्दी से टेम हो जा, कितनी देर और इंतजार कराएगा है, कितनी देर और इंतजार कराएगा, हो जा फटाफट से, तेरे मुंह पे खड़े हो जा दो। एक केबल पड़ा हुआ है, ना ज्यादा एरोज लगी है ना कुछ, थोड़े से के अंदर इजीली टेम हो गया ये, मतलब होने वाला है टेम, हो ही गया है बोल सकते भाई। तेरा खाने का मीटर, एक सेकंड, कितना खाने का मीटर भाई इसका देख रहे हो, कितना धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जब कम होगा तो खाएगा, फिर कुछ होगा। 5 minutes later ओहो यस, फाइनली टेम हो चुका है अपना रेक्स। उसके मुंह पर ही खड़े हो गया था भाई मैं। चलो 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 चलो, आ जा मुन्ना, तू पीछे पीछे आ जा। वैसे तू ऐसा क्यों आएगा, तेरे को मैं ऐसे जेब के अंदर रख कर लेके जाऊंगा भाई। आ जा, आ गया ना, हाँ लेट्स गो भाई। उसके मुंह के ऊपर ही खड़े हो गया था मैं। फाइनली रेक्स हमारे पास में आ चुका है, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। आज तो सोचा था मैंने कि पूरी जान लगा दूंगा क्रिस्टल ढूंढने में, क्योंकि मेरे को चाहिए था क्रिस्टल ऑसम स्पाई ग्लास के लिए, और बहुत आसानी से मिल गया। बेटे तू घूम ले जितना घूम सकता है, तेरी भी बारी आएगी कंगारू, समझा ना, तेरी भी बारी बहुत जल्द आएगी। बाकी अब तो यहाँ पर कुछ भी खतरा नहीं है। ये 90 लेवल का अपन ने फीमेल रेक्स तो टेम कर लिया, अभी मेल रेक्स अपने घर के पास में, मतलब जहाँ से ये वाले रेक्स को टेम किया ना, वहाँ पर एक और रेक्स तुमने देखा ही है, उसको भी टेम करना अभी बाकी है। ठीक है, उसको भी टेम कर लेते तो 2 रेक्स हो जाएंगे, तो फिर 2 रेक्स से अपन मल्टीपल रेक्सेस कर सकते। मेरे बच्चे लोग देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ला 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 ला। 134 लेवल हो चुकी है अपने रेक्स की, 90 लेवल का था सीधा 134 पे आ गया। तेरे को भी लेकर जाएंगे लेवल अप करने के लिए, अभी फिलहाल में तू आराम कर भाई। और प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या रखे। ये है 134 लेवल की फीमेल, ठीक है, तो फीमेल के हिसाब से नाम रखना, कुछ तो ऐसा ज्वाला अंगार तूफान तहलका ऐसा नहीं, फीमेल के हिसाब से कुछ तो प्यारा क्वीट सा नाम। बाकी भी फिलहाल में जाता है घर जाकर आराम करते, और हम आज के एपिसोड को बस यहीं पर एंड करते हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नए आए हो चैनल पे इंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बड़े बड़े गेम प्ले लाता रहता हूँ। अभी और भी नए गेम प्ले चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, सारी चीजों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर करना। बाकी मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।